चार सही पांच बटे आठ मीटर काटा गया शेष रस्सी की लंबाई बताएं। कुल लंबाई क्या है? 10 सही बटे 2। 10 सही बटे 2 को लिखते हैं 10 दूनी 20 और 1 को ऐड करते हैं 21 बटे 2 मीटर। और रस्सी काट दिया कितना हिस्सा? 4 सही 5 बटे 8, 8 चौको 32, 5 37 बटे 8 मीटर। अब शेष रस्सी का भाग क्या होगा? कुल कितना? 21 बटे 2 कटा हुआ कितना है? 37 बटे 8, उसको घटा देंगे 8 को यहाँ करेंगे 21 में 4 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे 8 आएगा ना, तो -37 84 -37 बटे 8 कितना आएगा? 47 बचेगा बटे 8, 8 5 40, 7 6 बचेगा। कितना मीटर आया? 5 सही 7 बटे 8 मीटर। दूसरा सवाल है, सरलीकरण कीजिए। सरलीकरण कैसे करते हैं? बोर्ड मास के द्वारा। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ यानी काका की, टी से होता है डिवीजन यानी भाग, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए से एडिशन यानी जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो पहले ब्रैकेट में 9 + 7 यानी 16, डिवाइडेशन 4 × 5, 4 चौको 16, 4 का 16 मार देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार, मल्टीप्लाई 5। अब हम मल्टीप्लाई को करेंगे, 4 × 5 = 20, आंसर क्या आया? 20। दूसरा ही बोर्ड मार्क्स का सवाल लेंगे हम लोग, 1/3 + 7/9 / 7/10 = 1/4। अब 1/3 पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को, तो हम लोग पहले ब्रैकेट को और करेंगे, 7/10 × 1/4 को लिख सकते हैं 5/4। अब यहाँ 5 से कट रहा है, 5 × 2 = 10, 1/3 एडिशन 7/9 डिवाइडेशन, अब कितना होता है? 7 हो जाए ऊपर नीचे, 4 × 2 = 8। अब हम लोग क्या, अब डिवीजन को और करेंगे प्लस, तो डिवीजन की जगह हम मल्टीप्लाई करें तो संख्या ये वाली पलट जाती है यानी 8/7, 7 से 7 कट गया, कितना है? 1/3 बचा प्लस 8/9। अब 9 के लिए हमें 9 नीचे का तो मिल गया, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3 का नीचे, 3 + 8 यानी 11/9, यानी 9 × 1 = 9, 2, कितना आंसर आएगा? 11/9। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं दूसरा, 44/6 + 43/2 - 8, इसको भी बोर्ड मार्क्स के द्वारा करेंगे। तो पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 43/2 = 86 - 87। अब क्या करेंगे? एडिशन यानी ये और ये जुड़ेगा, माइनस माइनस भी जुड़ता है, -7 - -87 तो ये जुड़ेगा, 44 और 86 130, 6 और 87 93, घटाएंगे कितना बचेगा? 37।